Oh.
Because first two letters should be the same. Okay? पहले जो दो letter हैं, पहले जो दो letter हैं, वो same रहने चाहिए. ठीक है? क्योंकि पहले दो letter different बनते हैं, right? So it means we have to write same letters. Okay? First two letters should be the same. Clown or fit clown. C L O W N clown. हो गया? Class clown हो गया. Clown or clown. Okay? So you should write it in your English workbook. Okay? You should write it in your English workbook and complete this exercise. पहले था rice. हमारा पहला rhyme पढ़ा था rice. तो rice का किया हमने noise. N O I S E. और second one है arise. A R I S E. फिर दूसरा देखिए pump. D U M P. Pump. Pump क्या हो गया pump. D U M P. और फिर dump. ठीक है. D U M P. Pump क्या हो गया pump और dump. फिर है crown, C R O W N, crown का हो गया pro, C R O W and crown, C R O W D. फिर देखिए class, C L A W S, class का हो गया pro, C L A W और फिर clown, C L O W N. Okay? Let's see our next exercise. Complete the words. Complete the words with A. ये हो गया फ्रेंड.
for last. Ten, the ting. Lamb, the lion. Okay? Next, dekhiye, nine, number nine. S, dash, T, S, dash, T. Which letters we have to use here? We have to use vowels, right? So, first we have use karenge I, O. S, I, T. Sit, yanki, peto. Or, fir, set. Okay? Let's see and let's understand it with our first example.
this. This is a bench. This is a bench. Right? Okay, this is a bench. और यहाँ पर हमने ए को क्यों यूज किया स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर जो उसकी बात का जो हमारा लेटर है, जो थिंग्स है, जो अनदर थिंग्स होती है, उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवल्स हो तो हम यहाँ पर ए यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम यहाँ पर ए यूज करेंगे. ओके, जो लास्ट थिंग हो उससे पहले हमें ए और ए को यूज करना है, राइट? लेकिन यहाँ पर देखिए, सब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, राइट? ये जो पूरा वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज इट हियर. ए, दिस इज अ बेंच, यानी कि यहां बेंच है. ठीक है, फिर देखिए यहां पर आम है जो कि थोड़ी दूर है. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर दैट, राइट? दैट इज अ मैंगो. दैट इज अ मैंगो, एम ए एन जी ओ. दैट इज अ मैंगो, यानी कि बहुत है. यहाँ पर देखिए काइट का पिक्चर.
this is a kite. This object के साथ हमेशा याद रखिए अगर singular noun हो, right? Singular noun में ही this object को use किया जाता है. ये वाला this और ये वाला that जो आप use कर रहे हैं. This और that, this या that singular noun में कोई एक चीज हो तभी ये this और that use कर सकते हैं. और इसके साथ as a verb is he जाएगा. ये verb के बिना आपका sentence complete नहीं हो सकता. फिर हमने रेड के लिए यूज किया क्योंकि चूहा कभी पास नहीं होता तो वी हैव टू राइट हियर दैट इज अ रेड यहां पर हैट जो है उसके लिए हमने यूज किया दिस दिस इज अ हैट फिर स्काई के लिए हमने यूज किया दिस इज अ काइट और ये जो लोमड़ी है इसके लिए हमने यूज किया दैट इज अ फॉक्स ओके स्टूडेंट्स सो इट इज आल्सो योर होमवर्क फिल दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश वर्कबुक ऑन पेज नंबर 75 एंड 76 जस्ट कंप्लीट इट ओके स्टूडेंट्स और आपको हां आपको जो साइड मैंने एक्टिविटी दी है वो कंपलसरी आपको करनी है अदरवाइज आपका असेसमेंट टेस्ट होगा फर्स्ट राउंड में जो टेस्ट होगा फर्स्ट सेट का जो टेस्ट होगा उसमें से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं ओके सो यू हैव टू डू इट कंपलसरी जो मैंने आपको एक्टिविटी दी थी मैथ्स की से मेक अ स्टेप्स विद यूजिंग अ मैथ्स स्टिक्स आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बनाने हैं और उस पर आपको मैथ्स स्टिक को स्टिक करनी है मैथ्स स्टिक लगानी है और जो सेट है उसके अंदर आपको सिर्फ कलर फिल अप करने हैं ओके तो ये जो आपको एक्टिविटीज दी गई थी उसे कंपलसरी आपको करना है अदरवाइज आपके मार्क्स जो होंगे वो कट हो जाएंगे ओके स्टूडेंट्स सो जस्ट फिल दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश वर्कबुक डू इट वेरी वेल